यात्रा की जो कल आखिरी पड़ाव पर था सरकार की इस यात्रा को लेकर सीएम नीतीश कुमार कल बेगूसराय पहुंचे थे, जहां सरकारी योजनाओं का जायजा उन्होंने लिया, लोगों से बात की और साथ ही हर समस्या के समाधान के तत्काल निर्देश भी दिए। बेगूसराय में सरकार की समाधान यात्रा, आंगनबाड़ी का जायजा, बच्चों से किया संवाद। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का कारवा बेगूसराय पहुंचा, जहां हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपनी इस यात्रा में सीएम नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया तो स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सीएम नीतीश के सामने नाटक का मंचन भी किया, जिसके बाद सीएम नीतीश ने कंकोल गांव में लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने कृषि, सहकारिता और जीविका समेत तमाम विभाग के स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जिले में जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, उनका पता चलते ही इनका निदान किया जाएगा। सभी माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोग पूरी बात रखते हैं और पूरा इसकी तरफ से डीएम की तरफ से भी जो जो काम हो रहा है उसके बारे में रख किया जाता है, तो इससे पता तो चलता ही है। और ऐसे तो कोई एक बार यहाँ पर आए हैं, बराबर ना आते रहे हैं, तो यहाँ पर की जो समस्याएं उसको देख करके और उसके समाधान के लिए जो किया जा रहा है उसके आगे भी और जो कुछ भी जरूरी हो किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बनने की मांग के नारे लगाए जाने पर सीएम ने कहा कि हम सब मना करते रहते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं। सर वहाँ गठबंधन के लोग नारा लगा रहे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। अरे नहीं, मना करते हैं हम सब कि हमारी कोई इच्छा नहीं। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का बड़ा असर भी नजर आ रहा है। रातों रात गांव पंचायत की तस्वीरें बदल रही हैं। बेगूसराय से नवजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना के ज्ञान भवन में समाधान यात्रा के तहत समीक्षा बैठक।